तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन परिसर के भीतर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के स्थान पर मत पत्रों के जरिए मतदान कराने की मांग की है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगा चुकी तृणमूल ने सोमवार को कहा कि उनके प्रदर्शन का एजेंडा था ईवीएम को ना कागजी मत पत्र का हो। वहीं तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व में ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जाने का विरोध कर चुकी और उन्होंने विपक्षी दलों से अनुरोध किया था कि वो चुनावी मतपत्रों से फिर से चुनाव कराने की मांग पर एकजुट हों। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा था कि हाल ही में चुनाव में ईवीएम के प्रयोग के ब्यौरे जाने के लिए तथ्यावेशी समिति गठित की जानी चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के पक्ष में आया एक तरफा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है और जन अपेक्षा के विपरीत है। मायावती ने कहा कि ये बिना सुनियोजित गड़बड़ी और धांधली के संभव नहीं है। मायावती ने मांग की कि हालात को देखते हुए ईवीएम के बदले दुनिया के अन्य देशों की तरह मतपत्रों यानी कि वीवीपैट से चुनाव कराया जाना चाहिए। एक कार्यक्रम के दौरान मायावती ने कहा कि देश के लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर एक मत है, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग इसके खिलाफ है, जिससे देश में बेचैनी है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक आरटीआई रिपोर्ट की मिली जानकारी के में हालिया जाँच में पता चला कि ईवीएम के महत्वपूर्ण अंग माने जाने वाले वैलेट यूनिट और डिजिटल मेमोरी मॉड्यूल मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गायब मिले। हालांकि आरटीआई में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि जिन ईवीएमों में धांधली पाई गई है उनके पीछे आम चुनाव में इस्तेमाल हुआ है या नहीं। इस तरह के तमाम ईवीएम धांधली को लेकर विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।